पटियाला में खालिस्तान विरोधी मार्च के बाद हुई हिंसा के पुलिस ने धरपकड़ तेज कर दी है। पंजाब पुलिस की स्पेशल 20 टीमें पूरे राज्य में छापा मार रही हैं। पिछले 24 घंटे में पुलिस ने हिंसा के मास्टरमाइंड बरजिंदर परवाना समेत 6 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पटियाला में आईजी मुखविंदर सिंह चीना ने बताया कि इनमें तीन जो है सिख कट्टरपंथी, शिवसेना नेता हरीश सिंगला का साथी शंकर भारद्वाज भी शामिल है। सोशल मीडिया पर हेट स्पीच देने के मामले में गग्गी पंडित को भी पुलिस ने केस दर्ज कर अरेस्ट कर लिया है। इस मामले में हरीश सिंगला और 2 सिख कट्टरपंथी समेत 3 लोग पहले ही पकड़े जा चुके हैं। गिरफ्तार लोगों की संख्या अब 9 हो चुकी है। आईजी चीना ने बताया कि एसएसपी दीपक पारिक की अगुवाई में पटियाला पुलिस की 20 स्पेशल टीम बनाई है जो पूरे पंजाब में रेड कर रही है। परवाना को माहौली से पकड़ा गया, इसके बाद पटियाला ले जाकर उसे गिरफ्तार किया गया। अब कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड में लेकर उससे पूछताछ करेगी। और आपको ग्राफिक्स के जरिए हम ये कल 30th ऑफ अप्रैल अंडर माय ओवरऑल सुपरविजन माय एसएसपी पटियाला दीपक पारिक has constituted 20 plus teams under the supervision of SP, DSPs to arrest the all wanted accused jinna ne parso the violence perpetuate kiti si sanu ek bahut vaddi kamyabi police nu mili hai। और ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं कि कौन है बरजिंदर सिंह परवाना। बरजिंदर सिंह परवाना जो दमदमी टकसाल जत्था राजपुरा का प्रमुख है, ये बरजिंदर सिंह परवाना, उसकी छवि मुखर नेता के तौर पर मानी जाती है। मुखर नेता के तौर पर इसकी छवि मानी जाती है। अक्सर सिख आतंकवादी जरनेल सिंह भिंडरावाले के पक्ष में वीडियो और बयान प्रकाशित करता रहता है। कई ऐसे वीडियो और बयान सामने आए जो कि जरनेल सिंह भिंडरावाला को 1980 के दशक में सिख चरमपंथ का प्रमुख माना जाता था। और 1984 में जन्मे बरजिंदर सिंह परवाना, जिसके बारे में आपको बता रहे हैं, मुख्य आरोपी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 साल के लिए सिंगापुर चला गया। वहां से भारत वापस आने के बाद उसने अपना खुद का टकसाल शुरू किया और उपदेशक बन गया। तो ये बरजिंदर सिंह परवाना, जिसके बारे में आपको बता रहे हैं, आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला कंटेंट जो होता है वो कई बार उसने शेयर किया है। परवाना ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में एक तस्वीर भी अपलोड की जिसमें उसने आधी बाजू की शर्ट पहनी हुई है और उसकी बाह पर जरनेल सिंह भिंडरावाले का एक टैटू देखा जा सकता है। और क्योंकि जरनेल सिंह भिंडरावाले को 1980 के दशक में सिख चरमपंथ का जन्मदाता माना जाता है और इसी जरनेल सिंह भिंडरावाले के पक्ष में कई वीडियो और बयान इस मुख्य आरोपी बरजिंदर सिंह परवाना ने प्रकाशित भी किए हैं। कई बार बयान और वीडियो जो है वो शेयर करता हुआ ये नजर आया है। इसकी छवि मुखर नेता के तौर पर मानी जाती है और जरनेल सिंह भिंडरावाले को 1980 के दशक में, जो कि सिख चरमपंथ का जन्मदाता माना जाता है, उससे इंस्पायर इस मुख्य आरोपी को माना गया है। आपको बरजिंदर सिंह परवाना के बारे में बता रहे हैं कि कौन ये व्यक्ति है, किस तरह से इसने इस घटना को अंजाम दिया और किस तरह से ये बयान और वीडियो प्रकाशित करता रहता है।